फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीख कर सिखाते रहो। तो मैं आपके साथ बरखा। तो आज हम ये प्रोग्राम ईवीएस सब्जेक्ट का फोर्थ चैप्टर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और जैव विविधता के स्थल कौन कौन से हैं, प्लस जैव विविधता का महत्व क्या है और विनाश क्या है, और विनाश है तो उसका हम कंजर्वेशन यानी संरक्षण कैसे करें। ठीक है, तो आइए लेट्स सी। हम परिभाषा में आपको बता देती हूँ कि परिभाषा क्या किसे कहते हैं यानी बायोडायवर्सिटी जैव विविधता किसे कहते हैं। तो बेसिकली 1968 जो डेंसमार्क थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उनके अकॉर्डिंग जहाँ जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। यानी अगर आप आज के प्रेजेंट या फिर हम आज की बात करें या फिर हम पुराने टाइम की बात करें, क्योंकि जैव विविधता तो बहुत इतिहास से ही चलती आ रही है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, प्लस जब से एक जो अर्थ था वो अर्थ एक जीवन जहाँ संभव है उसके रूप में उभरा, तब से बायोडायवर्सिटी चलती आ रही है यानी जैव विविधता तब से उसकी उत्पत्ति तब से हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ कि किसी भी एक निश्चित जगह पर जीवों में भिन्नता होना ही जैव विविधता कहलाती है। अकॉर्डिंग टू जो भी डेंसमार्क हैं उनके अकॉर्डिंग यही है क्या, जीवों में विभिन्नता होना जीव विभिन्न होना। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन से नहीं, ह्यूमन तो है इस कैटेगरी में, प्लस अगर हम पेड़ पौधे की बात करें, मछलियों की बात करें, या फिर हम जानवर की बात करें, या फिर हम पक्षी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं उनकी बात करें, हर चीज़ में विभिन्नताएँ होना, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति कैसे भिन्न है। जानवरों में भी आप बहुत विभिन्नताएं देख सकते हैं, एक ग्रुप जैसे कि मंकी का एक ग्रुप है और एलिफेंट का एक ग्रुप है तो जानवर, लेकिन भिन्नता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अदर उसके अंदर भी मंकीज के अंदर भी बहुत भिन्नताएं होंगी, तो यही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो हम उसको तीन स्तर पर जैव विविधता को बांटा गया है, इसके जो थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट एक मैं आपको प्राइमेट से समझाती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड करा है। फर्स्ट है जननिक के आधार पर, सेकंड है प्रजाति के आधार पर, और थर्ड है पायतंत्र। वही जो हम पढ़ चुके हैं, हमारा थर्ड चैप्टर था। इसके अकॉर्डिंग को जैव विविधता को तीन स्तर पे बांटा गया है। तो अगर हम जननिक की बात करें, जो इसको इंग्लिश में जननिक कहते हैं, हिंदी में जननिक है, जननिक की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जीन्स आते हैं। यानी एक अगर आप देखें कि एक ह्यूमन है या फिर कोई भी एक मानव जीव है, मनुष्य भी है और जानवर भी है, जो सजीव है और निर्जीव भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जीन के अंदर ही, जीन से ही हम विकास करते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा के जो जीन्स आते हैं, गुणसूत्र जिसे कहते हैं, अनुवांशिक गुणसूत्र, उसके आधार पर इसको जननिक कहा गया है। तो एक क्रोमोसोम, आप क्रोमोसोम समझेंगे, क्रोमोसोम 23 होते हैं, जो मदर एंड फादर, मॉम एंड डैड से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो किसी एक प्रजाति में जीन के आधार पर देखने को मिलती हमें जो अनुवांशिक जो चीज़ मिलती है उसको जननिक जैव विविधता कहा गया है। ठीक है, तो मनुष्य में जीनों की संख्या 3500 से लेकर 4500 तक होती है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में भी जो हमारी उसकी जो गिनती होगी वो 3500 से लेकर 4500 तक उसके अंदर होगी। तो जान
ये वही है कि आप अगर ऐसे समझेंगे तो ये है जीन, ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू जीन। ये जो होते हैं ये होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, ये होते हैं क्रोमोसोम, ये अकॉर्डिंग एक क्रोमोसोम है, आप जीन भी समझ सकते हैं। तो ये एक पूरा जीन है, इसमें ये सारे गुणसूत्र होते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हर एक मानव की शक्ल, हर एक मनुष्य की शक्ल अलग क्यों होती है। हर एक जो सबके पास दो नाक दो कान है, लेकिन ब्रेन और जो हमारी आदतें हैं, इनफैक्ट आप अगर ट्यून्स जो दो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उसमें भी आप उन दोनों की अलग ही कुछ आदतें होंगी, कुछ सिमिलैरिटी होगी लेकिन कुछ अनसिमिलैरिटी भी होगी, कुछ ऐसी जो चीज़ मिलेगी जो एक दूसरे को उनसे भिन्न करती है। तो ये क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये जेनेटिक, यानी जेनेटिक के आधार पर हमें देखा गया है। देन सेकंड है हमारा प्रजाति के आधार, ठीक है। तो प्रजाति के आधार पे थोड़ा कॉलम थोड़ा बड़ा है, आपको थोड़ा समझ रहा होगा। तो प्रजाति के आधार पर प्रजाति भिन्नताएं, किसी एक विशेष क्षेत्र में एक से ज़्यादा प्रजातियों में भिन्नताएँ दर्शाती हैं, उसको ही हम प्रजाति जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी थ्री पार्ट्स में इसको बांटा गया है, तीन स्तर पर। तो हमारा फर्स्ट है, आप देख सकते हैं, प्रजाति समृद्धि, प्रजाति समृद्धि। देन सेकंड है प्रजाति बहुलक, और थर्ड है प्रजाति वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। तो प्रजाति समृद्धि से क्या, इसी किसे कहते हैं, क्या है ये? तो किसी विशेष क्षेत्र में प्रजाति की संख्या, यानी ये मैटर करती है संख्या पर, ठीक है, कि ए वन टू थ्री सिर्फ काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग है कि उसको दर्शाती, जैसे कि एक भी क्षेत्र है उसमें कितनी प्रजातियां होंगी। सपोज कीजिए ए होगी, जैसे कि एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो प्लांट्स है उसकी एक प्रजाति, मनुष्य है उसकी दो प्रजाति, और एनिमल भी होते हैं डॉग वगैरह, उसकी तीसरी प्रजाति, ठीक है। और एक और सोच लीजिए आप, पक्षी हो गए, चार प्रजातियाँ। तो ये सिंपल मैटर करती है कि संख्या, वन टू थ्री काउंटिंग, प्रजाति अलग अलग है, एक बड़े लेवल पर है इसलिए, ठीक है। देन प्रजाति बहुलक, बहुलक जो हम प्रजाति बहुलक की बात करें तो उसमें ज़्यादा संख्या, ज़्यादा संख्या किसकी है, तो इजिकल टू, यानी कि हम देखेंगे कि किसी भी विशेष क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में जो ज़्यादा है उसकी अकॉर्डिंग उसको प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल कि जो टीचर्स में, अगर हम ह्यूमन में माने, जो भी थी, प्लांट्स बहुत, प्लांट्स यानी पक्षी बहुत कम है, दो तीन ही होंगे इस कॉलेज के अंदर, लेकिन जो भी जो प्लांट्स है वो ज़्यादा है, तो बी भी प्लांट ज़्यादा है, ये जो बी ग्रुप है, ठीक है। और सी 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 ये टीचर्स, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे कॉलेज में, तो डी 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 ये इसको दर्शाता है, ये है प्रजाति बहुलक, ठीक है। संख्या के अकॉर्डिंग वो, तो स्टूडेंट की संख्या यानी स्टूडेंट की प्रजातियाँ ज़्यादा हैं, तो यही बताते हैं, यानी एक ह्यूमन की प्रजाति ज़्यादा है। एक आपको मैंने एग्जांपल दे, सपोज करें सिर्फ एग्जांपल है ही। देन प्रजाति वर्गीकरण में यही है, क्या आप उत्पत्ति कैसे हुई, एक ट्री है जैसे एक पेड़ है, पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, शैवाल आया इस पर, कवक आया, एंड ये करके पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखो दर्शाता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड यानी पायतंत्र जैव विविधता पर, ठीक है। तो पायतंत्र जैव विविधता बहुत इजी दे रखी है, को बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये, जैव विविधता बहुत ज़्यादा इजी है, और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो भी केयरफुली होके आप इसको समझिएगा, और बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो हमारा इसके बाद है थर्ड है हमारा पायतंत्र, पारितंत्र जैव विविधता, ये थर्ड चैप्टर नहीं है, थर्ड पॉइंट है
जैव विविधता। तो बेसिकली इसमें किसी भी विशेष क्षेत्र में एक से ज्यादा भिन्नताएं मिलना पारतंत्र भिन्नताएं कहलाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जननी बहुत छोटे स्तर पर था, न उसके बड़े स्तर पर था प्रजाति है, अब ये पारतंत्र है तो पारतंत्र बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है, हम देख सकते हैं, हम छोटे से हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखिए जननी, जैसे कि इसमें प्रजाति में पारतंत्र में तीन आ जाएंगी, जननिक जननी की अकॉर्डिंग कितनी थी, एक या बी, बहुत कम संख्या थी, यानी जो भी होता है। देन उसके बाद ये था प्रजाति, प्रजाति के स्तर पर, प्रजाति के स्तर पर कितनी थी, ए बी सी डी, सी डी ई एफ, ठीक है, ये दो प्रजातियां थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने बताया ना प्रजाति किसकी संख्या ज्यादा है, इसकी, प्रजातियों में किसकी भी भिन्नताएं देखी जाती हैं। देन इसमें ग्रुप भी बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है पारतंत्र, पारतंत्र के स्तर पे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब देख सकते हैं, ठीक है। हम इसके वर्ड ये सब देखते पूरे और मतलब हो जाएगी आगे। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो हम अल्फा बीटा गामा की तरह भी इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ये है हमारा पारतंत्र भिन्नताएं किसके आधार पर, जैव विविधता के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है जैव विविधता के मुख्य स्तर, जैव विविधता के मुख्य स्तर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर एक भी मतलब एक क्षेत्र में जैव विविधता समान रूप से विद्यमान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे, मरुस्थलीय एरिया में जाएंगे, तो आपको बहुत जैव विविधता कम दिखाई देगी, ठीक है, दिखाई देगी बट कम देगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पौधे नहीं होते। तो इसमें अब जैव विविधता, मैंने फिर कहा है कि नॉट अ ह्यूमन, जरूरी नहीं कि ये ह्यूमन से रिलेटेड हो, ह्यूमन इसकी कैटेगरी में आ जाता है, एक कुछ भी आप छोटे छोटे पेड़ पौधे की भी जैव विविधता होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि सब जीव है, चाहे वो निर्जीव या संजीव, लेकिन पीछे जीव लग रहा है, ठीक है। तो यही इसमें है। देन इसके बाद है कि रेगिस्तान, मैंने आपको बता दी कि फिर नॉर्मल जो नार्मेन मार्गेर हैं, एक बहुत विख्यात कव राइटर हैं, पता नहीं कौन है, इन्होंने 1986 में पर्यावरण, ये भी कर्मी होंगे, 1986 में इन्होंने जैव विविधता को एक डिक्लेयर करा कि मुख्य स्थल, जैव विविधता के मुख्य स्थल को डिक्लेयर करा। तो इसमें सबसे पहले हमें देखी जा सकती है, फर्स्ट इसमें दो कहते हैं शर्तें होनी चाहिए, तो दो शर्तें हैं। फर्स्ट है हमारी कि स्थानीय प्रजाति, स्थानीय प्रजाति यानी उस एरिया की स्थानीय प्रजाति 1500 से अधिक हो, से अधिक हो, प्लस उस क्षेत्र में 70% जो भी 70% आवास है उसकी क्षति पहुंची हो, आवास की क्षति हो, क्षति हो। इसको क्या चाहिए, नीड, किसकी नीड, अपने उस एरिया उस प्रजाति को बचाने की नीड चाहिए। तो इसलिए ये देखा जाता है कि 70% यानी उस एरिया में 1500 से अधिक उसकी आबादी होगी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हो, जो जानवर लुप्त होने वाले, फॉर एग्जांपल चिड़िया, यानी आप गौरैया को देख सकते हैं जो अब लुप्त होने की तादाद में आ चुकी है, नहीं दिखाई देती। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ही 70% आवाज की क्षति हो रही थी, जैसे कि
आप एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि इसमें दे रखा है कि एक एरिया है, ये इस एरिया में पूरे जंगल जंगल है, ठीक है, यानी पूरी बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रजातियाँ हैं सारी, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण मानव ने इतना दखल दिया प्रकृति में तो उसके अकॉर्डिंग पूरा ये नष्ट कर दिया, और इतने पूरे में यानी इतने पूरे में ये जंगल थे, ठीक है, इतने पूरे में घर और माइनिंग एक्टिविटीज कर 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 खेती कर 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 ये बिल्डिंगें खड़ी कर ली, ठीक है, बल्कि और यहाँ पर आ गए, तो इतना एरिया कितना बचा, वो एरिया यानी इतने 70% क्षति हो चुकी थी उस एरिया में, ये इसको दर्शाता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 30% जो इतना इतनी ही प्रजातियाँ बची, बाकी 70% नष्ट हो गई, तो इसलिए इसको डिक्लेयर कराया कि उस स्थान पर जहाँ 1500 से अधिक आबादी थी और है और 70% उसकी क्षति हो रही हो, यानी उसको नीड की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें भी हम आगे जो कंजर्वेशन है उसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या हमारे इंडिया में कौन कौन से प्लान होते हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है, आप समझ गए होंगे कि ये दोनों जो भी शर्तें हैं वो किस चीज़ की हैं। देन उसके बाद है विश्व में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले 27 इसको हॉटस्पॉट आ गया है, ओके, प्लीज याद रखिएगा हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता के मुख्य स्थल, ठीक है, इसका इंग्लिश जो कन्वर्ट है वो हॉटस्पॉट, तो प्लीज अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर समझते हैं तो प्लीज हॉटस्पॉट समझ जाइएगा। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट थे, लेकिन ये क्योंकि बहुत, अगर आप देखें कि प्रजातियाँ बहुत सारी हैं पूरे दुनिया में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, कम से कम 3.1 मिलियन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अभी भी उनकी खोज हो रही है और नई प्रजातियों की और खोजा जा रहा है, तो उसकी संख्या बढ़कर 35 पहुँच गई, ठीक है, तो अब प्रेजेंट में 35 हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर टोटल 3 हॉटस्पॉट हैं, हॉटस्पॉट हैं, तो इसमें देखा जाता है हमारा हिमालय वाला रीजन सारा, थोड़ा उत्तर तक जाएगा, मतलब पूर्वोत्तर तक जाएगा। देन उसके बाद है पश्चिमी घाट, देन थर्ड है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप, हिमालय पर्वत, देन पश्चिमी घाट, ये 3 मुख्य हॉटस्पॉट है जहाँ 1500 से अधिक आबादी है, प्रजातियों की भिन्नता है, लेकिन 70% जो भी उनकी क्षति पहुँच रही है यानी उनको नुकसान हो रहा है। और एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट में द्वीप यानी आइलैंड कितने हैं, तो उसका आंसर है 1100 यानी 1100 द्वीप हैं, ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा, याद आता नहीं लेकिन प्लीज रिमेंबर, नॉलेज होनी चाहिए हमें, तो ये है। देन इसके बाद है हमारा, अब हम ये करेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, यानी 70% आबादी क्षति क्यों पहुंच रही है उसको उनकी आवाज़ को, तो इसका भी बहुत बड़ा आंसर है हमारे पास, तो वो है आंसर जैसे कि हॉटस्पॉट थे ना, तो हिमालय सेकंड था, पश्चिमी घाट, थर्ड था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, अंडमान और
निकोबार द्वीप आप समझ आ लीजिएगा, समझ खुद समझ लीजिएगा। तो देन हमारा पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी घाट में एक कुद्रेमूल का एक तो लोहा भी है और एक रत्न भी है। कुद्रेमूल का बहुत बड़ा रत्न है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदाई की जाती है इसको निकालने के चक्कर में, प्लस आयरन भी है उधर, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण फैला है। ठीक है, औद्योगिकरण फैक्ट्रीज भी लगी हैं, इसलिए उसकी क्षति इतनी है, आबादी इतनी है और आवाज़ की इतनी क्षति हो रही है। देन हमारी जो कृषि है, यानी हिमालय में कृषि सबसे ज़्यादा कृषि का फैलना हम ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस हिमालय की प्रजातियाँ हैं जो उसमें बहुत कमी आई है। देन हमारी जो भी अंडमान निकोबार है वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आपदाओं के आने से नष्ट होना, प्लस जो भी एक टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, यानी टूरिस्ट जो स्पॉट होते हैं घूमने की जगह पर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह देखा गया है और इसके अकॉर्डिंग ही ये सब बहुत क्षति हो रही है उन्हें, और इसके अकॉर्डिंग उनको नीड की ज़रूरत है, यानी हमें सॉरी उनको संरक्षण की ज़रूरत है, संरक्षण की नीड है उनको, तो इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है। देन मैंने आपको बताया था कि जो भी एक क्रोमोसोम के अंदर, यानी डीएनए के अंदर हम अलग अलग क्यों होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत सारी लड़कियां हैं जैसे 10 गर्ल हैं या फिर बॉय हैं, समझ लीजिए बॉय हैं, तो उनकी शक्लें, उनकी फेस कट, उनकी सब कुछ अलग होगा। ठीक है, तो वो क्यों है, यानी व्यक्तित्व भिन्नता क्यों है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि व्यक्तित्व भिन्नताएँ क्यों होती हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं के होने का कारण, ठीक है, तो व्यक्तित्व भिन्नता अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ क्या, जो डीएनए वही जीन जो मैंने आपको बताया कि ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है। देन इसमें जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम लगे होते हैं उसमें गुणसूत्र होते हैं, तो हर जीव अलग क्यों होते हैं, तो यही इसकी वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा तो उसमें ये वाली जो एरिया है, एक एरिया मॉम का होगा और सेकेंड एरिया डैड का होगा, ठीक है, तभी मिलकर एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, यानी SX और XY। तो इसके अकॉर्डिंग ये जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये जो वो डार्क है, इसको मैंने डार्क कर दिया, ये डार्क एंड ये लाइट वाला, ये फादर है, ठीक है, ये है मदर, यानी ये डैड है, ये मॉम है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में प्लेयर करेंगे, प्लेयर हो चुके हैं, तो जो न्यू बॉर्न बेबी जन्म होगा उसके अंदर जो भी भिन्नताएँ होती है, अपने मम्मी पापा की शक्ल भी एक तरह नहीं होती, यानी हर चीज़ में वो अलग होता है, कुछ कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इन बच्चे की जैसे कि मम्मी क्या थोड़ा कुछ कुछ सिमिलैरिटी आएगी, मैं पहले कह चुकी हूँ, जैसे एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इन ना ही मम्मी की आइज ब्राउन है ना ही फादर की आइज ब्राउन है, दोनों की आइज ब्लैक है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा पक्षर आया जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो वो बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पर यानी समझे आप, जो फादर का था डार्क, मम्मा का लाइट, फादर का डार्क, मम्मा का लाइट, तो ये न्यू बॉर्न बेबी का ये ऐसा होता है, यानी डार्क लाइट,
ये ऐसा आता है और यही के थोड़ी सिमिलैरिटी दोनों के गुणसूत्र आएंगे। मैं फिर क्या चुकी हूँ कि 50-50% दोनों के गुणसूत्र आते हैं, आधे मम्मा के आएंगे आधे पापा के आएंगे, ठीक है। लेकिन सपोज ये तो हो चुका, लेकिन सपोज ऐसा ही एक और बच्चा है ना ही जो मम्मा की आईज ब्राउन नहीं है ना ही डैडा की आईज जो ब्राउन है, फिर भी बच्चे की आईज ब्राउन क्यों आई, यानी बच्चे की आईज जो भी आई वो ब्राउन क्यों आई, वाई। तो इसका आंसर होता है कि अगर हम इसकी पीढ़ियां देखें, यानी फादर के अंदर जो उनके फादर के फादर से भी फादर की आंखें ब्राउन हुई होगी, तो वो जो चीज गुणसूत्र होती है वो ना ही इनके पापा के अंदर क्या कहते हैं उसको जो भी सपोर्ट नहीं मिला, ना ही इनके अंदर मिला, लेकिन मम्मी के भी कुछ जो पीढ़ियां हुई होंगी उनके अकॉर्डिंग करके इसको सपोर्ट मिला, तो वो इसकी आंखें ब्राउन हो गई। इसने अपना प्लेयर मतलब वो करा तो कुछ कुछ गुणसूत्र मिल जाते हैं, तो इसलिए इसकी आंखें ब्राउन है। तो ये नहीं है कि अगर मम्मी की आंखें ब्राउन नहीं है ना ही इनकी आंखें ब्राउन है तो बच्चा इनका नहीं है, ऐसा नहीं होता। कुछ पुराने गुणसूत्र जो दबे हुए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस न्यूबॉर्न बेबी की आंखें ब्राउन है। तो और प्लस ये समझ में आया कि अलग कैसे होते हैं, प्लस हर जीव अलग कैसे होता है, ये भी इसकी अकॉर्डिंग ये होती है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।